मुकदमे के डर से भागे सपाई, हल्ला बोल जंगी प्रदर्शन के लिए जानी जाती थी जो सपा सरकार, उसी सपा सरकार के पदाधिकारी कार्यकर्ता को अब लगने लगा है मुकदमे से डर। महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे थे सपाई प्रदर्शन। एमजी रोड स्पीड कलर लैब के सामने पहुंचे थे सपाई, पुलिस को आता देख प्रदर्शन से पहले ही दरी उठाकर भागे सपाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामजी लाल सुमन के नेतृत्व में होना था प्रदर्शन। एसपी सिटी के मुकदमा दर्ज करने की बात कहते ही दौड़ लगाते दिखे सपाई। इतने डर में कैसे करेंगे सपाई 2022 फतेह। पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से उसके विरोध में आज ये धरने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हालत ये है कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 रुपये से भी कम का अंतर रह गया है। पेट्रोल का दाम 89.23 रुपये और डीजल का दाम 78.27 रुपये है। और इन 15 दिनों में पेट्रोल का दाम बढ़ा है 7.97 रुपये और डीजल का दाम बढ़ा है 8.88 रुपये। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जनवरी के महीने में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम था 64.31 रुपये और इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम है $30 प्रति बैरल। हम ये जानना चाहेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पेट्रोल डीजल के दामों में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है इसका औचित्य जनता के सामने प्रस्तुत करें। क्या आधार है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम $100 से भी ज्यादा था तब भी इतनी वृद्धि पेट्रोल डीजल के दामों में कभी नहीं हुई। और आप लोग जानते हैं कि जब पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, खासतौर से डीजल का दाम बढ़ेगा, तो भाड़ा बढ़ेगा, आवागमन मुश्किल हो जाएगा, ग्रामीण अंचल में बिजली का बुरा हाल है, बिजली के अभाव में किसान को डीजल का इस्तेमाल करना पड़ता है, पूरा अर्थतंत्र प्रभावित होगा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से। आज देश महामारी के संकट से गुजर रहा है और जिस स्तर पर इसका विरोध होना चाहिए विरोध नहीं हो पा रहा, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कहीं से दिखाई नहीं देता कि सरकार गरीबों के पक्ष में काम कर रही है। ये अमीरों की सरकार है, गरीबों से और आम आदमी से इसका कोई लेना देना नहीं। जिन लोगों को गलतफहमी थी, जो ये मानते थे कि कहीं गांव और गरीब का रिश्ता भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी से हो सकता है, उनकी गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा कि जनता इनके वास्तविक चेहरे को समझेगी और जब भी जनता को मौका मिलेगा इनको सबक सिखाने का काम करेगी। आगे क्या प्रोसेस रहेगा मंत्री जी आपका? देखिए, लोकतंत्र है, पूरे देश में इन्होंने धारा 142 लगा रखी है। 5 लोगों से ज्यादा कहीं विरोध प्रदर्शन कर नहीं सकते। लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जनतंत्र में हमें जो अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से इस धरने का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी आगरा द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की बेतहाशा वृद्धि के विरोध में आज अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया है। हम लोग इस सांकेतिक प्रदर्शन के माध्यम से ये पूछना चाहते हैं कि इस बेतहाशा वृद्धि का क्या कारण है? क्या ये जनता के आर्थिक उत्पीड़न का माध्यम नहीं है? कोरोना संकट के दौर में आपने पेट्रोल और डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी की, क्या आप आमंत्रित कर रहे हैं बेतहाशा महंगाई को? और जब ये बेतहाशा महंगाई बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति पहले से ही डूबी हुई है, लॉकडाउन और कोरोना के कारण, वैश्विक महामारी के कारण गरीब किसान मजदूर इनकी सबकी कमर टूटी हुई है, प्रवासी मजदूरों का क्या हाल हुआ,
लोग बेरोजगार हो रहे हैं और आप बेतहाशा महंगाई पे महंगाई बढ़ा रहे हैं। क्या फायदा है ऐसे आपके करोड़ों लाखों के पैकेज का जिसका आम आदमी को कोई लाभ ना हो। आप महंगाई में बढ़ोतरी करोगे 10,000 रुपये महीना और 500 रुपया गरीब के खाते में डालने का झूठा प्रचार प्रसार करोगे। मैं ये मान करता हूँ समाजवादी पार्टी की ओर से कि अब ये भ्रामक प्रचार बंद करके आप तत्काल इस पेट्रोल मूल्य वृद्धि को वापस लें, अन्यथा समाजवादी पार्टी सड़कों पर आकर हिंसक प्रदर्शन करने के लिए भी बाध्य होगी।